शारदीय नवरात्रि का इंतजार भक्तों को बड़ी ही बेसब्री के साथ रहता है। देवी माँ के भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं कि कब माँ दुर्गा धरती पर पधारेंगी। मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि के समय माता रानी पृथ्वी पर आती हैं और 9 दिनों तक यहीं पर रहती हैं। यही वजह है कि नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा के भव्य पंडाल सजाए जाते हैं। मंदिरों में भी खास पूजा अर्चना की जाती है। इतना ही नहीं, लोग अपने घरों में भी माता रानी के स्वागत के लिए कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं और 9 दिनों तक विधि पूर्वक देवी माँ की पूजा करते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 12 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के साथ ही समाप्त होगी। शारदीय नवरात्रि के आखिरी दिन दुर्गा विसर्जन के साथ ही विजयदशमी यानी दशहरा भी मनाया जाता है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण तरह तरह के उपाय अपनाते हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे नवरात्रि के पहले दिन करके माँ दुर्गा को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हर श्रृंगार। नवरात्रि के शुरुआत में ही आप अपने घर में हर श्रृंगार का पौधा लगा लें। यह पौधा अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में हर श्रृंगार का पौधा लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। केला। हिंदू धर्म में केले का पौधा पूजनीय माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान केले का पौधा लगाकर पूजा करने से घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। नवरात्रि में केले का पौधा लगाना शुभ और फलदायी होता है। तुलसी। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपके घर या आंगन में तुलसी का पौधा नहीं लगा तो नवरात्रि में जरूर लगा लें। तुलसी लगाने और पूजा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और जातक पर अपनी कृपा बरसाती हैं। शंख पुष्पी। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन शंख पुष्पी का पौधा लगाएं। साथ ही नवरात्रि में पूजा के दौरान शंख पुष्पी फूल माता रानी के चरणों में अर्पित करें। कहते हैं इस फूल को माँ दुर्गा को चढ़ाने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। लाल गुड़हल का फूल। दुर्गा माता को लाल गुड़हल का फूल अति प्रिय है। नवरात्रि में देवी माँ को लाल गुड़हल के फूल जरूर अर्पित करें और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगी। इसके साथ ही नवरात्रि में आप अपने घर में लाल गुड़हल फूल का पौधा भी अवश्य लगाएं। घर में सदैव शांति और खुशहाली बनी रहेगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।